हे गाइस, मैं हाजिर हूँ एक और चाइनीज ड्रामा को लेकर। स्ट्रॉय की शुरुआत में हम हमारे फीमेल लीड लीसा को देखते हैं, जो कि एक क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर कई सारे लोग होते हैं जो यहाँ पर सहो का पद सेलिब्रेट करने आए होते हैं। फिर सभी लोग मिलकर ड्रिंक करते हैं, जहाँ पर सहो ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। इसके बाद में वो चला जाता है वॉशरूम की तरफ, जहाँ पर वो अपना फेस वॉश करने लगता है। दूसरा यहाँ पर आ जाती है लीजा और उनकी टकरार हो जाती है। बाहर एक आदमी खड़ा होकर चिल्ला रहा होता है कि क्या तुम अंदर हो लीजा, लेकिन यहाँ पर लीज फटाक से सूहो को लेके वॉशरूम के अंदर भाग जाती है। एंड वो लोग बैठ जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर उन दोनों की क्लोजर्स कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है, जहाँ पर दोनों ने बहुत ड्रिंक किया होता है। एंड यहाँ पर उनका फेस एक दूसरे के बहुत करीब आने लगता है। एंड यहाँ पर वो लोग किस सी करने वाले होते हैं कि वो इंसान वॉशरूम के अंदर तक आ जाता है और कहता है कि क्या तुम इस रूम के अंदर हो, लेकिन यहाँ पर सहो बहुत जोर से चिल्लाकर कहता है कि बाहर निकलो, ना जाने ऐसे लोग कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। तो फिर वो लड़का वहां से भाग जाता है। दोस्तों, यहाँ पर लीजा अपने लिप्स को अपने फिंगर से टच करती है और उसके बाद में वो उसका फिंगर ही वहां पर एस की ओर लगा देती है। इसके बाद वो उसे थैंक यू बोलकर वहां से जाने लगती है। तो फिर सहो बाहर आ जाता है और उसे रोक लेता है, जो कि उसे कहने लगता है कि तुमने मुझे किसके हैं, तो फिर तुम्हें इसकी रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एंड यहाँ पर बाद में हम उन दोनों को एक बेडरूम में देखते हैं, जहां पर सहो नीचे बैठा होता एंड लीजा वहां पर चलकर आ रही थी। एंड आकर यहाँ पर वो उसके लाप पर बैठ जाती है। फिर बा अपने वो उसके शर्ट को अनबटन करने लगती है। यहाँ पर सहो बहुत ज्यादा ही नर्वस हो रहा होता है। तो फिर लीजा उसे पूछती है कि क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। सहो कहता है कि नहीं, हालांकि सहो लीजा से झूठ बोल रहा था। तो लीजा उसे कहती है, ऊ जरा मुझे किस कर दो बताना। लेकिन यहाँ पर लिप्स पर किस करने के बदले वो उसे नेक पर किस कर देता है। लीजा समझ जाती है कि ये उसका फर्स्ट टाइम है। फिर यहाँ पर वो उसे कहती है, रुको मैं तुम्हें किस करना सिखाती हूँ। एंड वो उसे पैशनेटली किस करना शुरू कर देती है। एंड ये जो किस है वो मेकअप में बदल जाता है, जिसके बाद में वो लोग पूरी एक नाइट साथ में स्पेंड करते हैं। वह यहाँ पर सुबह हो जाती है, जहां पर सू हो सो रहा था। तो फिर यहाँ पर लीजा उठकर चेंज कर लेती है एंड सिगरेट पीने लगती है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसके पर्स में से पैसे निकालकर पर्स उसके ऊपर फेंक कर चली जाती है। जैसे ही यहाँ पर सुबह उठता है, वो अपने फोन को देखने लगता है, फिर अपने वॉलेट को देखता है तो उसमें तो पैसे ही नहीं होते। और यहाँ पर उसे समझ आ जाता है, कहीं वही लड़की तो नहीं जो उसके पैसे लेकर भाग गई हो। यहाँ पर वो सोचने लगता है कि ना जाने कब वह लड़की थोड़ी सी देखी देखी लग रही थी। दूसरा, यहाँ पर हम देखते हैं लीज को, जो कि वरियर ग्रुप की कंपनी में चली जाती है। यहाँ पर सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर वो उन्हें एग्रीमेंट देकर कहने लगती है कि अब से इस न्यू कंपनी की प्रेसिडेंट मैं हूँ। यहाँ पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता, तो वो बताने लगती है कि मैं मिस्टर ली की बायोलॉजिकल डॉक्टर हूँ। सभी लोग यहाँ पर कहने लगते हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनका सिर्फ इकलौता बेटा ही है, तुम अचानक से यहाँ कैसे आ गई। तो फिर यहाँ पर वो उन्हें दिया नहीं की रिपोर्ट्स दिखाती है और बताने लगती है उसकी सारी स्टोरी की, बचपन में वो अपने पेरेंट्स से अलग हो गई थी, जिसके बाद में आज जाकर उसे उसके पेरेंट्स वापस मिले हैं। तो फिर इस कंपनी की हकदार वही है एंड वही प्रेसिडेंट का लीड रोल प्ले करेगी, और उसके जो डैड है वो फिलहाल मायामी में है, इस वजह से यहाँ पर वो कंपनी को हैंडल करेगी। यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहने लगते हैं, लेकिन हमारी कंपनी को तो हमेशा से उनका बेटा ही हैंडल करता आ रहा है, तो फिर तुम यहाँ पर कैसे आ जाओगी कि तुम्हें लगता है कि उसके बेटी के पास में एबिलिटी है इस कंपनी को हैंडल करने की और प्रॉफिट बताने की। यहाँ पर बाद में वो सभी लोग आपस में डिस्कस करने लगते हैं। एंड इतने में यहाँ पर उस कंपनी का प्रेसिडेंट आ जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि सहो ही होता है। एंड सहो यहाँ पर लीज को देखकर शॉक हो जाता है। बाद में यहाँ पर लीज सहो को अपना इंट्रोडक्शन देती है, एज उसकी सिस्टर। इसके बाद में वो कभी में बैठा होता है, जहाँ पर वो उसका रिज्यूमे देख रहा था, और रिज्यूमे देखते देखते यहाँ पर सोचने लगता है कि इसने जो अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताया है कि यह ऑनअर्फन में रहती थी, वो सारी की सारी बात सही है। लेकिन लेन अगर सचमुच अगर ये मेरे डैड की बायोलॉजिकल बेटी है, तो मेरे डैड इसे अपने साथ मायामी क्यों नहीं लेकर चले गए। उसका फ्रेंड यहाँ पर उसे कहने लगता है कि देखो, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो लड़की है वो तुम्हारी डैड की बेटी तो है, लेकिन इसकी मम्मा कोई और है, जिस वजह से तुम्हारे डैड को बहुत एम्बेरसमेंट करने के लिए रेडी हो गए। यहाँ पर एज कहने लगता है, मुझे लगता है क्योंकि तुम्हारी डैड को समझ आ रहा है कि तुम्हें इस कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ब्रांडेड चीजों में इंटरेस्ट है, इस वजह से उस कंपनी को डूबने से बच जाना चाहते हैं। और हाँ, तुम्हारी होने वाली सिसर तुम्हारे घर तक पहुंच गई है, अगर तुम चाहो तो जाकर वहां पर देख सकते हो। एंड यहाँ पर सुह घर जाने की सोचने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर लीजा होती है घर पर, जहाँ पर वह अपने आप को ग्रूम कर रही होती है। फिर कुछ ही देर में पीछे से दरवाजे से आ जाता है सहो उसका बैग लेकर। लेकिन लीजा कहती है कि कोई बात नहीं, भले तो मेरे हो, तुम्हें इतना काम करने की जरूरत नहीं है, मैं भाई खुद ब खुद लेकर आ सकती थी। सहो यहाँ पर उसके एक्सपोज्ड वाले लेग्स देखने लगता है, लेकिन बामने वो खुद को समझाता है कि वो मेरी बहन है, मैं उसके अगेंस्ट ये सारी बातें नहीं सोच सकता। वह यहाँ से बामने वो चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर लीजा लिविंग रूम में बैठी होती है, तो फिर सहो अपने बाथरूम में आ जाता है, जहां पर उसका बाथरूम ओपन था। फिर वो फटाक से उसे बंद करकर शर्माने लगता है। लीजा यहां पर धीरे धीरे उससे करीब जाने लगती है और पूछती है कि आखिर तुम इतने नर्वस की हो। सो यहां पर कह देता है कि मैं नर्वस नहीं हूं, ये मेरा घर है और मैं घर पर अकेला रहता हूं, तुम यहां पर हो तो बस मैं तुम्हें अचानक से देखकर डर गया था। तो फिर यहां पर लीज हंसने लगती है एंडस हो, फिर उसे स्टेयरकेस के अगेंस्ट पिन कर देता है और कहने लगता है कि मैं अब तक कुछ बोल नहीं रहा था,
इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी मर्जी में जो आए तुम कह दे जाओ। अब यहाँ पर वो उसकी बॉडी को देखता है और वापस से खुद को समझाने लगता है कि ये तो मेरी बहन है, मैं उसके साथ ये सारी चीजें नहीं सोच सकता। लीजा यहाँ पर उसके टॉवल को टच कर कहने लगती है कि लगता है तुम तो कुछ ज्यादा ही इनोसेंट हो। तो फिर साहू बोलता है कि खबरदार, अगर तुमने वापस से कुछ करने की कोशिश की तो एंड। यहाँ पर लीज उसका टॉवल खींच देती है जहाँ पर उसका टॉवल नीचे गिर जाता है और यहाँ पर से साहू बहुत ह्यूमन फील करने लगता है और झट से वहां से भागकर अपने रूम में चला जाता है। एंड सोचने लगता है कि वो मेरी बहन है, मैं उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोच सकता, पहले जो हो गया मुझे उसे भूल जाना होगा और अब मैं जाकर चुपचाप सो जाऊंगा। जैसे ही यहां पर वो सोने की कोशिश करता है, सपने में उसे अपनी सिस की बॉडी ही दिखाई देती है। फिर वो डर के मारे उठता है और खुद को समझाता है कि वो मेरे सिस्टर है एंड। यहां बाने वो सोच लेता है कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर ही रहूंगा। इसके बाद में यहां पर उसके सिस्टर बैठकर उसी के फोटोज देख रही होती है उस पार्टी की रात की, और वो भी झूम कर। फिर हमें यहां पर पास्ट का सीन बताया जाता है जहां पर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि लीज होती है एंड। यहां पर वह बहुत ज्यादा रो रही थी। तो फिर यहां पर एक छोटा सा बच्चा आ जाता है जो कि उसको रोने से मना करता है और कहता है कि मैं तुम्हें मेरा मैजिकल आई मेकअप दूंगा। लीजा यहां पर कहने लगती है कि इस दुनिया में मैजिकल जैसा कोई चीज नहीं होता। तो वो बच्चा उसे एक्सप्लेन करने लगता है, इसे देख रही हो, ये यूनिकॉर्न वाला आई वेयर है, तुम जैसे ही इसे पहनोगे तुम्हें रात को बहुत अच्छी नींद आएगी और तुम अच्छे अच्छे सपने देख पाओगी, फिर तुम वापस कभी भी नहीं रहोगी। फिर हम वापस से यहां पर प्रेजेंट की सीन में आ जाते हैं जहां पर उसकी फ्रेंड मिनी पीछे से उसे इस फोटो को घूरते हुए देख रही थी और कह रही थी कि इतना घूरती रहोगी उसके बाद भी वो इंसान उस फोन में से बाहर नहीं आ जाएगा। इसके बाद में यहां पर वो उसकी मिशन के बारे में पूछने लगती है। तो फिर यहां पर वो कहती है कि टेंशन मतलब वो मेरे सिबलिंग जैसा है। तो मीनी कहती कि फेक ही तो है ना, इतना कौन सा रियल भाई बनाने चली हो तुम उसे। तुम धीरे धीरे उसे ट्रेनिंग देते रहना एंड ट्रेनिंग के साथ साथ तुम मजे भी लेती रहना जहां पर तुम्हारे फैंटेसीज भी पूरे होते जाएंगे। इसके बाद में यहां पर मिनी उससे पूछने लगती है कि क्या उसे पता है कि तुम उसकी बचपन वाली ही लड़की हो। लेकिन यहां पर लीजा कहती है कि फिलहाल तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी वो मुझे रिकॉग्नाइज कर पाएगा। यहां पर बाने मिनी कहने लगती है कि मुझे तो लगता है बहुत जल्दी वो तुम्हें रिकॉग्नाइज कर लेगा क्योंकि तुम पहले जैसी तो थोड़ी बहुत दिखती ही हो। फिर यहां पर लीजा उसे बताने लगती है कि उस दिन हम कुछ ज्यादा ही ड्रंक थे जिस वजह से वो मुझे पहचान नहीं पाया, लेकिन अगर मैं उसे 5 की मेमोरीज याद दिलाने लगूं तो हो सकता है शायद वो मुझे रिकॉग्नाइज कर ले। एंड इतने में यहां पर उसे सुओ का कॉल आने लगता है जहां पर लीजा से ज्यादा खुश तो उसकी बेस्ट ही होती है। फिर जैसे ही लीज कॉल पिक करती है वो उसका असिस्टेंट बोल रहा होता है और कहता है कि बॉस ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया है, प्लीज आप यहां पर आकर उन्हें वापस यहां से ले जाइए। तो फिर यहां से वो चली जाती है और अपनी बेसी से कह देती है कि याद रखना ये सारी बात तुम्हारे और मेरे बीच में बस रहनी चाहिए, बाहर वालों को इसकी कानों कान तक खबर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में यहां पर वो क्लब में पहुंच जाती है जहां पर वो देखती है सहो को एंड। यहां पर सहो अपने फ्रेंड से कह रहा होता है कि इतना ड्रिंक करने के बाद भी मैं उस रात को नहीं बुला पा रहा हूं, बार बार मुझे उसके साथ रहने का मन कर रहा है, प्लीज तुम उसे यहां पर बुला दो। फिर यहां पर उसका फ्रेंड जाओ देख लेता है लीज को और उसे कह देता है कि पहले मैं इसे हैंडल तो कर पाता था लेकिन ना जाने कि ये बार बार तुम्हारा इनाम लिए जा रहा है, अब तुम ही इसे हैंडल करो। एंड यहां पर सू उसे देखते उसके पास चला जाता है जहां पर लीजा उसे अपने आप से दूर रहने के लिए कहती है, बट फिर भी सुआ उसे मना कर देता है और कहता है कि प्लीज मुझे होल्ड करो। फिर बाद में वो उसे कंधे पर अपना सर रख देता है। तो लीज कहती है कि यहां पर कई सारे लोग हैं तो हम यहां पर यह सब नहीं कर सकते, फिलहाल हमें घर चलना होगा। एंड यहां पर वो उसे सीधे खड़े रहने के लिए कहती है जहां पर हमें समझ आता है कि लीज बहुत डोमिनेटिंग है। एंड यहां पर वो उसे अपने इशारों पे नचाती है। फिर इसके बाद में वो उसे अपने आप को फॉलो करने के लिए कहती है लेकिन यहां पर वो चलते चलते गिर ही जाता है। तो फिलीसा उसे अपना हाथ देती है और हाथ पकड़कर वो दोनों उस क्लब से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद में हम यहां पर देखते हैं सुह को जो कि सुबह हो गई होती है फिर भी सो रहा था। एंड यहां पर उसे कॉल आ जाता है उसके फ्रेंड जाओगा, जहां पर जाओ उसे पूछने लगता है कि इतनी सुबह हो गई और अब तक तुम रहे हो, लगता है तुम्हारी नाइट कुछ ज्यादा ही टफ गई है। यहां पर सुह को कुछ समझ नहीं आता तो जाओ उसे पूछने लगता है कि क्यों, आखिर तुम्हारी सिसर ने तुम्हारे साथ कुछ किया नहीं क्या? साहू कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तो फिर जा उससे बोलता है कि लगता है तुम्हें कल रात की बात को सा कुछ भी याद नहीं है, अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, कल हम दोनों क्लब गए थे जहां पर तुमने कुछ ज्यादा ही जंक कर लिया था एंड बार बार यहां पर तुम अपने सिस्टर लीजा का नाम लिए जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहां पर लीजा को बुला लूं और वो तुम्हारा ध्यान रखे। फिर लीजा आ गई और मैंने उसे कॉल कर दिया जहां पे वही तो तुम्हें घर पर लेकर आई थी। यहां पर सुआ उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे और लीज हम दोनों को कभी अकेले मत छोड़ा करो, फिर भी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, जा यहां पर उसे कहता है कि मुझ पर चिल्लाना बंद करो, तुम ही कल खुद बखुदा रहे हो। फिर इसके बाद में सु वो कहने लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मेरे रियल सिस्टर है भी या फिर नहीं, तो जा उसे आइडिया देता है कि देखो बड़ी सिंपल सी बात है, तुम अपना एक हेयर लो और उसका एक हेयर ले लो और जाकर डीएनए टेस्ट करवा लो ना, तुम्हें सारी की सारी बातें पता चल जाएगी।
एंड यहाँ पर सुहो समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है। एंड इसके बाम में वो उसके बेडरूम में चला जाता है, जहाँ पर वो उसका पूरा रूम देखता है तो सोचने लगता है कि इसका रूम तो कुछ ज्यादा ही क्लीन है ना, जाने मुझे यहाँ पर कोई बाल का टुकड़ा मिलेगा या फिर नहीं। फिर इसके बाद में यहाँ पर रोज के ड्रेसिंग टेबल की बाजू में चला जाता है, जहाँ पर कोम रखा हुआ होता है एंड उसे उसमें वहां पर उसके बालों का टुकड़ा मिल जाता है, तो वो उसे लेने लगता है। लेकिन इतने में ही वो बाथरूम के दरवाजे को खुलता हुआ सुनता है तो वहां से भागने लगता है, लेकिन उसके पैरों में ही वो चेयर लग जाती है और वो यहाँ पर नीचे पैर पकड़कर बैठ जाता है। तो फिर सामने से लीजा आकर इसे पूछने लगती है कि बिना मेरी परमिशन के यहाँ पर तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। एंड यहाँ पर जैसे ही वो धीरे धीरे अपनी नजर उठाता है, यहाँ पर वो लीजा को देखता है जो कि नाइट सूट में ही होती है, और वह उसे देखते ही रह जाता है और यहाँ पर बहाने मारने लगता है कि कल रात को शायद से मेरी एक रिंग यहाँ पर खो गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस रूम में आकर चेक कर लूं, क्या पता रिंग यहीं कहीं गिरी हो। तो लीजा पूछते रिंग मिली, वो कहता है कि नहीं, इसीलिए मैं अब जा रहा हूं। लेकिन तुम अपनी जॉब पर क्यों नहीं गई हो? लीजा उसे बताने लगती कि आज संडे है। तो फिर सुआ कहता है कि ठीक है, मुझे माफ कर देना। इतना बोलकर वो वहां से फटाक से भागने लगता है, जहां पर लीज उसे रोक लेती है और तब जाके सुहो की बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। तो फिर यहां पर लीजा कहने लगती है कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो हम दोनों को वहां पर जाना होगा। एस उसे कहते हैं कि ठीक है, मैं ड्राइव करूंगा, तब तक तुम ये कपड़े चेंज कर लो। एंड यहां पर हमें पता चलता है कि उनकी एक फैशन की कंपनी होती है, जहां पर रियल सेल के प्रोडक्ट्स खत्म होने के चक्कर में उनका डिलीवरी का टाइम बहुत डिले होता जा रहा है। तो फिर यहां पर वो लोग कंपनी में आ जाते हैं, जहां पर स्टाफ उन्हें सारी रिपोर्ट्स देने लगते हैं। इसके बाद में यहां पर सू हर एक फाइल के थ्रू जाने लगता है और लीजा अपने सारे कनेक्शंस को कॉल लगाने लगती है। यहां पर दोनों भाई बहन मिलकर काम करने लगते हैं। एंड फाइनली उनका काम खत्म हो जाता है, जहां पर वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। इसके बाद में यहां पर सू से कहने लगता है कि लगता है इस इंडस्ट्री में तुम्हारे बहुत सारे कनेक्शंस हैं। लेकिन यहां पुलिस सिर्फ उसे हाँ या ना में जवाब दे रही होती है, क्योंकि उसका सर जो है वो बहुत तेजी से पेन हो रहा था। तो फिर सुआ यहां पर उसे देख रहा था और वो समझ जाता है कि उसे क्या करना है। एंड यहां पर वो चला जाता है उसके लिए कप नूडल्स लेने के लिए। लीजा यहां पर कप नूडल्स देखने के बाद बोलने लगती है कि लगता है आज सूरज का ई और से उगा है। सुओ कहता है कि इतना सरप्राइज क्यों बिहेव कर रहे हो, मैं तुम्हारा भाई हूं और तुम्हारा ध्यान रखना ही मेरी रिस्पांसिबिलिटी है। तो फिर यहां पर लीजा उसका मजाक उड़ाने लगती है। सस वो कहता है कि ठीक है, नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन मेरे कप नूडल्स का मजाक मत उड़ाओ, मैं इसे लेके यहां से जा रहा हूं। तो लीजा यहां पर कहती है कि मस्ती कर रही हूं तो मैं एक कप नूडल्स खाने के लिए भी रेडी हूं। फिर यहां पर वो नूडल्स का खाने लगती है, जहां पर सोह उसे देख ही जा रहा था। फिर सहो यहां पर नोटिस करता है कि खाते वक्त बेचारी लीजा के बाल उसके रास्ते में आ रहे हैं। तो फिर यहां पर वो अपने हाथों से रोमांटिकली उसके बालों को पीछे करता है, जहां बलिजा का ध्यान जाता है। एंड यहां पर वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। इसके बाद में यहां पर सुहा कहने लगता है कि तुम्हारा बाल बीच में आया था तो मुझे लगा तुम बाल भी खा जाओगी इस वजह से। बस फिर बाद में यहां पर सहो भी मुस्कुराता है। इसके बाद में यहां पर वो लोग वांग के साथ में लंच करने गए होते हैं, जहां पर लीजा वैंग को थैंक यू कह रही थी कि मेरा इतना बड़ा प्रॉब्लम आया और आपने मुझे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेल्प किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर वह कहने लगता है कि इसमें कौन सी नई बात है, हम दोनों तो एक बिजनेस कंपनी है और एक दूसरे का हेल्प नहीं करेंगे तो कौन किसका हेल्प करेगा। एंड यहां पर वो उसे बुरी तरीके से टच करने लगता है, जहां पर जहो भी ये नोटिस करता है। तो फिर फटाक से उठकर वो वैंग के पास चला जाता है और उसका हाथ हटा लेता है। फिर वो उसे थैंक यू बोलता है और ये भी कहने लगता है कि माफ करना, एक्चुअली मेरी बहन थोड़ी ठीक नहीं है, उसे थोड़ा फीवर सा आ रहा है तो फिर वह यहां पर वाइन ड्रिंक नहीं कर पाएगी, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए और उसके बदले मैं आपके साथ वाइन पीने के लिए रेडी हूं। यहां पर लीजा उसे रोकती तो है, लेकिन सो उसके नहीं सुनता, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि आखिर वैंग का क्या इरादा है। वैंग बस यही चाहता है कि लीज कुछ ज्यादा ड्रिंक कर ले, जिसके बाद में वैंग उसके साथ नाइट स्पेंड कर ले, लेकिन सहो के होते हुए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एंड यहां पर सहो एक एक कर करर वैंग के साथ में कुछ ज्यादा ही ड्रिंक करने लगता है। बाद में यहां पर रात हो जाती है, जहां पर लीजा सुओ को लेकर घर आ जाती है और कहने लगती है कि बड़ा आया बोलने वाला कि मैं मेरा अल्कोहल टॉलरेंस बहुत हाई है, अब देखो किस तरीके से नशे में दत्त है। फिर यहां पर बाद में मन ही मन कुछ बड़बड़ा रहा होता है। इसके बाद में यहां पर वो उसे ब्यूटीफुल भी कहता है। फिर वो उसके शोल्डर पर ऐसे नील डाउन कर लेता है, जहां पे वो वहां पर सो जाता है। तो फिर बाद में यहां पर लीज उसे बेड पर लेटती है और उसके ऊपर जाके डालने लगती है। इसके बाद में यहां पर वो उसका हाथ पकड़कर सोने लगता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि काश तुम मेरी सिस्टर नहीं होती। तो यहां पर लीजा उसे हंसते हुए देखती है और के फोरहेड पर किस कर देती है। इसके बाद में यहां पर वो लोग एक इवेंट में होते हैं, जहां पर उनके जो पार्टनर्स होते हैं वो उन्हें कांग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने पर भी उनके सेल्स एकदम टारगेट पर गए होते हैं और टारगेट से भी ज्यादा वो लोग अर्न करते हैं। तो फिर यहां पर वो लोग सभी लोग लीजा को प्रेस करते हैं। तो लीजा कहने लगती है कि इसमें मेरे अकेली का हाथ नहीं है, आप सबने भी मेरी बहुत मदद की है और सबसे बड़ा हाथ यहां पर मेरे भाई का है, जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, अगर ये नहीं होता तो आगे हम प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं कर पाते। तो फिर यहां पर उसके पार्टनर्स कहने लगते हैं कि अगर तुम जैसे भाई बहन एक साथ मिलकर इस कंपनी को चलाओगे तो सभी के सभी कंपनियों को तुम दोनों मिलकर पीछे छोड़ दोगे।
इसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग वाइन को चूज करते हैं और ड्रिंक करते हैं। फिर बाद में सुह और लीसा बाजू से जाने लगते, जहां पर सुह कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था मेरी सिसर इतनी अच्छी होगी जो वो क्रेडिट मुझे दे भी देगी, लग सकता है। तो एज अ सिसर मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उसका ध्यान रखूं। इसके बाद में यहां पर चलते चलते बेचारी लीसा का जो एंकल है वो हो जाता है, जिस वजह से वो चल नहीं पाती। तो फिर वो लोग इस पार्टी से घर वापस जाने लगते हैं। सो यहां पर लीसा को घर में बजाता है और बिठाते वक्त यहां पर वो लीज के पीछे का रोज वाला टैटू देख लेता है। एंड उसे उस रात को उस लड़की की याद आने लगती है जिसके साथ में उसे नाइट स्पेंड किया था। फिर यहां पर धीरे धीरे उसे सब कुछ याद आ जाता है कि जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड किया था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की बहन ही थी। एंड यहां पर ये चीज देखकर वो सरप्राइज और शॉक दोनों हो जाता है। तो फिर वो चला जाता है अपनी बहन लीज के रूम में। एंड यहां पर आकर वो उसे पूछने लगता है कि क्या हम सिबलिंग बनने से पहले एक दूसरे को कभी मिले हैं। तो फिर यहां पर लीज उसे जवाब नहीं दे पाती। फिर यहां पर वो उसे पीछे का टैटू याद दिलाता है तो लीज उससे माफी मांगने लगती है, जहां पर सुह समझ जाता है कि लीजा पहले से ही उसे पहचान ली थी। एंड यहां पर बाद में लीजा कुछ बोलने वाली थी, बी एस उसे कहने नहीं देता और बोलने लगता है कि तुम मुझे पहले से ही रिकॉग्नाइज कर चुकी हो, लेकिन एक बार भी तुमने मुझे यह बात नहीं बता। अब मैं समझ रहा हूं कि क्यों तुम मुझे इस तरह से देखकर हंसा करती हो, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती ये सब करते हुए और ऊपर से मुझे भाई बुलाते हुए। अनी यहां पर बाने बेचारा खुद को ही बोलने लगता है कि मैं ही एक मनस्टर हूं, मैं एक मनस्टर जो अपनी बहन के साथ भी नाइट स्पेंड कर आया है। फिर यहां से तो उसकी आंखें भी भर आती हैं और गुस्से में वह वहां से चला जाता है। इसके बाद में यहां पर लीजा पहुंच जाती है कंपनी में, जहां पर उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का मीटिंग होने वाला था। तो फिर यहां पर उसका फ्रेंड पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारा ब्रदर कहां पर है, वो अभी तक आया नहीं। लीजा कहने लगती है कि वो ठीक नहीं है। यहां पर उसके फ्रेंड को समझ आता है कि शायद लीज को कुछ हुआ है, तो वो लीज से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन यहां पर लीज टॉपिक बदल देती है और उसे कहने लगती है कि हमें फिलहाल हमें मोटिव पर फोकस करना चाहिए। एंड वो मीटिंग की शुरुआत कर देती है। फिर तभी वहां पर आ जाता है सहो और कहने लगता है कि मेरे बेटा मीटिंग शुरू क्यों हो रही है। तो यहां पर वो स्टाफ उससे पूछने लगता है, लेकिन सहो तुम तो बीमार थे ना, सभी लोग यहां पर सू से कहने लगते हैं कि बॉस अगर आप ठीक नहीं हो तो फिर आप वापस घर जा सकते हो, हम यहां पर सब कुछ मैनेज कर लेंगे वहां का। वो वाला भी स्टाफ सेम क्वेश्चन पूछता है। तो यहां पर सू कहने लगता है कि लगता है यहां पे न्यू प्रेसिडेंट की आने की वजह से तुम अपने पुराने प्रेसिडेंट को भूल चुके हो, तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि तुम्हारा खुद का बॉस कौन है। फिर यहां पर वो स्टाफ माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं तो बस ये कहना चाहता था कि हम यहां पर मैनेज कर लेंगे। तो फिर यहां पर वो उन सब से कहने लगता है कि हमारा न्यू बजट तो फिक्स हो रहा है, वो ध्यान से फिक्स करना क्योंकि रिवॉर्ड के साथ साथ रिस्क भी आते हैं। तो मुझे नहीं पता कि किस किस की सोच के ऐसी होती रहेगी। एंड यहां पर इसके बाद में उस मीटिंग को वहीं पर रद्द कर दिया जाता है, जिसके बाद में सहो होता है अपने कबीर में। एंड यहां पर वो खुलेआम सुबह के टाइम पे अपने कबीर में ड्रिंक कर रहा होता है। फिर तभी लीज आ जाती है और कहने लगती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम कंपनी में वापस आओगे, मुझे लगा तुम नाराज हो तो फिर तुम घर पर बैठे रहोगे। तो फिर यहां पर सहो कहने लगता है कि क्यों तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं घर पर रहूंगा तब जाके कंपनी अच्छे से चलेगी और मेरा यहां पर होना बहुत बुरी चीज है। तो लीज कहती कि नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। इतने में यहां पर वो स्टाफ हान आ जाता है, जहां पर वो लीसा के लिए ब्रेड्स और कुछ मेडिसिन लाया होता है और वो उसे देने लगता है। तो फिर लीज बोलती कि भूल जाओ इन सब बातों को, मुझे अभी नहीं करना। तो हान कहने लगता है, लेकिन मैंने तुम्हें खुद बखुदा ना खराब हो और तुम्हें फीवर ना आ जाए, इस वजह से मैं तुम्हारे लिए ये सब लेकर आया हूं। यहां पर बाद में सहो हंसते हंसते कहने लगता है कि तुम्हें पता है मेरी सिसर कितनी बड़ी झूठी है और वो तुमसे फ्लटर ले लड़कों के लिए एकदम परफेक्ट मैच है। यहां पर हन कहने लगता है कि तुम अपने सिसर के बारे में ऐसी कैसी बातें कर सकते हो। एंड यहां पर वो खड़े होकर कहने लगता है कि मैं तो तुम्हें बस वार्निंग देना चाहता हूं, क्योंकि लगता है तुम मेरी सिसर को नहीं जानते क्योंकि वो अभी अभी नहीं आई है ना, बट मैं बता देना चाहता हूं कि ये बहुत ज्यादा बड़ी झूठी है। और वो झूठ इतना साफ से कहती है कि किसी को उस झूठ के बारे में पता नहीं चलता। यह बात सुनते ही लीजा को गुस्सा आ जाता है और वो यहां पर सहो को थप्पड़ मार देती है और कहने लगती है कि तुम अपनी हदें पार कर रहे हो। इतना बोलकर वो वहां से गुस्से में चली जाती है, जहां पर हान भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। एंड यहां पर बेचारा सहो पीछे रह जाता है, जो कि अभी भी एकदम बिटरेड फील कर रहा होता है। इसके बाद में यहां पर लीज घर पर होती है, तो फिर तभी सहो भी घर पर आ जाता है। एंड लीजा उसे कहती कि हमें बात करनी चाहिए। सहो कहने लगता है कि किस बारे में तुम्हें बात करनी है, हमारे भाई बहन होने के बारे में या फिर उस रात के बारे में। लीजा उसे कहने लगती है कि हमें हमारी मिस अंसनी को सॉल्व करना होगा। मैं तो तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती हूँ। सहो यहां पर उसे कहते हैं कि एक्सप्लेन क्या करोगी कि उस रात को तुम्हें ज्यादा मजा आया या फिर बहुत बुरा लगा या फिर रर बोलने में तुम पकड़ी गई, इस बारे में तुम्हें बात करनी है। इसके बाद में यहां पर लीज कुछ बोलने वाली थी तो एस उसे कहता था कि हाँ कहो कहो, तुम्हारे पास तो बहुत सारे झूठे झूठे रीजंस होंगे नाना जो तुम यहां पर कहोगी और तुम्हें लगता है कि मैं मान लूंगा। इसके बाद में मैं तुम्हें माफ कर दूंगा ताकि तुम आए दिन अपनी गलतियां तो रात ही जाओ। लीजा यहां पर कुछ कहती नहीं है और बोलने लगती कि छोड़ो, जाने दो, टाइम खत्म हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज एक्सप्लेन करने का कोई मतलब रह गया है। मैं बहुत जल्दी इस घर से चली जाऊंगी, तुम्हें इस चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है और मैं तुम्हारी लाइफ को अब और डिस्टर्ब नहीं करूंगी।
इतना बोलकर वो वहां से जाने लगती है। एंड यहां पर भी सुह चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि ठीक है जाओ, अभी की अभी इस घर से निकल जाओ, मैं भी तुम्हारी शक्ल अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखना चाहता। तुम यहां से चली जाओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद मैं यहां पर सू बैठकर अपने कंपनी के डॉक्यूमेंट और एग्रीमेंट्स को सॉल्व कर रहा था, लेकिन यहां पर उसे कोई काम हो ही नहीं पा रहा था। दूसरा, यहां पर वो एक एनवेलप देख लेता है जिसमें डीएनए के रिजल्ट्स होते हैं। फिर बाद में वो रिजल्ट्स देखने के बाद शॉक हो जाता है और लीजा को बाद में फाइनली वह बात करने के लिए नीचे बुलाता है जहां पर डीएनए रिजल्ट्स उस टेबल पर रखे हुए होते हैं। अब वो लीजा से कहता है कि मुझे सब कुछ जानना है कि आखिर चल क्या रहा है। लीजा उसे कहने लगती है कि जो तुम्हें दिख रहा है वही बस चल रहा है, मैं तुम्हारे रियल सिस्टर नहीं हूं। यहां पर बाद में वो कहने लगता है ये क्या, मेरे पेरेंट्स को ये बात पता है? तो वो कहने लगती कि देखो मैं तुम्हारी ब्लड रिलेटेड सिस्टर नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे अडॉप्ट जरूर किया है। तो फिर सो उसे पूछता है लेकिन यहां पर मेरे डैड का नाम और तुम्हारा सरनेम मैच क्यों होता है? लीज यहां पर उसे कहने लगती है कि तुम्हारे मॉम डैड ने ही मुझे हायर किया था ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं और तुम्हें कंपटीशन दे सकूं, और अगर तुम्हें कंपटीशन का सेंस होगा तो फिर तुम्हारी कंप्यूटर बाहर आ जाएगी जहां पर तुम कंपनी को जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हो, और यहां पर तुम कंपनी के लिए दिन रात मेहनत कर सकते हो। एंड यहां पर मेरा मेन टास्क यही होता है कि मैं तुम्हें एकदम कंप्लीट हायर बना दूं उस कंपनी का, जिस कंपनी को उस जैसा बॉस चाहिए, सिर्फ वैसा ही। तो फिर यहां पर वो उसे पूछने लगता है तो कि फिर क्या मेरे साथ नाइट स्पेंड करना भी वो तुम्हारा एक टास्क था? लीजा कहने लगती कि बिल्कुल नहीं, वो तो बस एक एक्सीडेंट था। यहां पर बाद में सहो हंसते हुए कहने लगता है कि एक्सीडेंट मेरा सेम क्लब में रहना और तुम्हारा सेम क्लब में रहना, ये एक एक्सीडेंट था। मैं जब बाथरूम गया था तो फिर सेम समय में तुम्हारा बाथरूम में आना, ये भी एक एक्सीडेंट था। मुझे तो तुम्हारी कही हुई एक भी बातों पर यकीन नहीं होता, मैं तो तुम पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता, जो कि अपने आप को सच बताने के लिए जितना चाहे उतना झूठ बोल सकती है। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि यह तुम्हारे पूरे पार्ट का एक एक्सीडेंट का फॉर्म था। लीजा यहां पर उसे कहने लगती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं इतनी पत्थर दिल वाली हूं, मुझ में भी फीलिंगलेस है। तो फिर यहां पर सी से पूछने लगता है कि क्यों फीलिंगलेस, पहली बार देखा तब तुम्हें मेरे लिए फीलिंगलेस से प्यार में पड़ गई थी, ये तो इम्पॉसिबल है। अब यहां पर लीजा उसे माफी मांगने लगती और कहते कि मुझे माफ कर देना, मैं यहां पर तुम्हें अपने मिशन की वजह से अप्रोच करना चाहती थी, लेकिन उस दिन जो हुआ उतने ना यकीन मानो, वो सब कुछ बस एक एक्सीडेंट था, लेकिन जो मेरी फीलिंगलेस स्पेंड किया वो सबके सब रियल थे। और मेरी फीलिंगलेस वो खड़े होकर कहने लगते कि अच्छा, लेकिन इन लास्ट में तो ये सारी चीज एक मिशन ही तो है, तुम अपना मिशन ही तो यहां पर कंप्लीट करने आई थी। लीजा यहां पर बोलने लगती कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता तो फिर मैं यह घर को छोड़कर चली जाऊंगी, तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। सो यहां पर कहने लगते हैं कि हां, मिशन तो तुम्हारा कंप्लीशन हो ही गया होगा ना, मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर। एंड यहां पर सहो रोने भी लगता है और कहता है कि तुमने तो मेरी लाइफ का मजाक बनाकर रख दिया है, ठीक है जाना है तो जाओ, अभी के अभी यहां पर मेरी नजरों से निकल जाओ। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता, अभी भी मैं तुम्हें कभी भी नहीं देखना चाहता। यहां पर लीजा की आंखों से भी आंसू आते हैं, लेकिन वो बेचारी अपने आप को कंट्रोल करती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद में वो अपना बैग लेकर रास्ते पर चलने लगती है जहां पर एक कार आती है और उस कार में से हान बाहर निकलता है और कहने लगता है कि इतनी आधी रात को तुम अपना बैग लेकर कहां जा रहे हो, कहीं तुम्हें और तुम्हारे ब्रदर के बीच में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ है? लीजा कहने लगती है कि वो मेरा पर्सनल मैटर है, मैं देख लूंगी हान। यहां पर उसे सजेशन देने लगता है कि क्यों ना तुम कुछ देर के लिए मेरे घर पर आकर रह लो, उसे मना कर देती है। तो हान कहता है कि तुम क्या सोच रही हो, क्या पता तुम्हारे पैर तो देखो वो तो फटने भी लगे हैं, अगर ऐसा होता रहा तो तुम्हारी हेल्थ को भी इफेक्ट जाएगा, लेकिन ठीक है तुम मेरे घर नहीं जाना चाहती, मैं समझ सकता हूं तुम अनकंफर्टेबल रहोगी, लेकिन कम से कम मैं तुम्हें होटल तक तो ड्रॉप कर ही सकता हूं, तो मुझे अच्छा लगेगा कि तुम एक सेफ प्लेस हो। इसके बाद में लीज रेडी हो जाती है एंड हान उसे उस होटल रूम में लेकर जाने लगता है। इसके बाद में लिफ्ट आ जाती है तो फिर लीज उसे थैंक्स बोल देती है। यहां पर हान को लगता है कि वो उसे अंदर आने देगी, लेकिन लीजा उसे लिफ्ट में अंदर आने की जगह नहीं देती और उसे गुड नाइट बोल देती है। लिफ्ट का दरवाजा जैसे ही बंद होता है, यहां पर हम हान का दूसरा साइड देखते हैं जो कि एकदम वलन वाला होता है, और वह यहां पर गुस्से में कह रहा होता है आज नहीं तो कल तुम बहुत जल्द मेरी होकर ही रहोगी। इसके बाद में यहां पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है जहां पर सहो अपने कबी में होता है। फिर वहां पर लीजा आ जाती है जहां पर वो उसे एक एग्रीमेंट को देती है। एस वो पूछता है कि तुम यहां पर क्यों आई हो और ये सब गया है। लीजा यहां पर कहने लगती है कि ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है और कहती है कि मुझे एक वीक लग जाएगा मेरे काम को किसी और को देने के लिए, एंड एक वीक के बाद मैं प्रॉमिस करती हूं कि मैं इस कंपनी को भी बिना कुछ बोले चुपचाप छोड़कर चली जाऊंगी। यहां पर वो उसे कहने लगता है कि अच्छा कोई जरूरत नहीं है अपना काम किसी और को सौंप कर जाने की, तुम्हें चाहिए तो तुम ऐसे भी जा सकती हो। लीजा यहां पर कहने लगती है कि नहीं, मैं इतना अनप्रोफेशनल वर्क बिल्कुल नहीं करती हूं, भले मैं यहां पर अपने एक मिशन से आई थी लेकिन कंपनी के एथिक्स के अकॉर्डिंग मुझे प्रोफेशनली अपना काम किसी और को सौंपना होगा ताकि वह काम आगे बढ़ पाए, इसके बाद ही मैं यहां से जा सकती हूं, तो इतना काम करना तो मेरा हक बनता है। फिर यहां पर वो उसके रिप्लाई का वेट करती है
लेकिन जोआ यहां पर उसे कुछ कहता नहीं है। फिर वो बाद में लीज से कहने लगता है कि अब तुमने कह दिया ना, तुम्हें जो कहना था तो अब तुम यहां से जा सकती हो, मैं तुम्हारा फेस बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। और फिर यहां पर अब दूसरी ओर मुड़ जाता है, तो फिर लीज भी वहां से चली जाती है उसके। यहां से जाने के बाद सु सोचने लगता है कि आखिर मेरा क्या होगा। फिर बाद में वो उस रेजिग्नेशन लेटर को देखता है कि वह सचमुच रेजिग्नेशन है भी या फिर नहीं। एंड वो रेजिग्नेशन लेटर ही निकलता है जहां पर वो सोचने लगता है कि ना जाने क्यों ये वापस जाना चाहती है। फिर उसे याद आता है कि उसी ने उसे कहा था कि अपनी नजरों से दूर जाने के लिए, तो फिर ऑब्वियस सी बात है वो तो दूर ही चली जाएगी। एंड यहां पर बाद में सहो को अपनी कही हुई बातों पर बहुत रिग्रेट होता है। यहां पर वह सोचने लगता है कि जिस समय मैंने उसे यह कहा था उस समय तो मैं बड़ा था कि मैं तो बड़ा खुश रहूंगा इसके यहां से जाने के बाद, लेकिन अब जब सच में वह यहां से जाना चाहती है और जा भी रही है तो ना जाने क्यों मैं खुश नहीं हूं। फिर बाद में यहां पर वह कुछ ना कुछ सोचने लगता है। इसके बाद में सभी वर्कर्स अपना काम ऑफिस में कर रहे होते हैं। इतने में ही यहां पर उन सभी के फोन में एक फोटोज आ जाती है जहां पर हम देखते हैं मियां को। एंड यहां पर मियां वो फोटोज अपने कलीग्स को बताने लगती है और कहती है इसे देखो, ये तो हमारे बॉस की बहन ही है ना, और ये किसके साथ नाइट स्पेंड कर रही है यहां पर। यहां पर उस फोन में फोटो होती है लीज की और सुओ की, लेकिन किसी ने सिर्फ खाली लीज का फोटो रिवील कर दिया था, यानी कि उसका फेस। लेकिन यहां पर जो सहो का फेस होता है वो पूरा ब्लर कर दिया जाता है ताकि कोई सहो को ना पहचान पाए। इसके बाद में यहां पर वव जो फोटो है वो सभी के फोन में सर्कुलेट हो जाता है जहां पे सभी लोग एक एक कर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। यहां तक कि वो लोग ये भी बोलते हैं कि लगता है काम के पास उसके पास कुछ ज्यादा ही समय है, जो यहां पर हर रात किसी ना किसी अलग 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 मर्दों के साथ बाहर जाया करती है। फिर यहां पर वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। दूसरी ओर से यहां पर लीजा आ जाती है तो फिर उसे देखकर सभी लोग यहां पर शांत हो जाते हैं। लीजा समझ रही थी कि ये लोग कुछ समय पहले मेरे ही बारे में कुछ तो बात कर रहे थे और मेरे आते ही यहां पर ये लोग अचानक से एकदम शांत कैसे हो गए हैं। लीजा यहां पर उन लोगों के पास में देखकर उन्हें कहने लगती है कि लगता है तुम सबके पास कुछ काम धंधा नहीं है जो यहां पर बैठे बैठे मजाक उड़ाए जा रहे हो। किसी का तो यहां पर एक फोन उठे जहां पर लीजा उसमें फोटो देख लेती है। एंड यहां पर बामन स्टाफ से पूछने लगती है कि आखिर कौन है वो जिसने इस फोटो को यहां से लेके वहां तक वायरल किया है। तो फिर वो स्टाफ कहने लगती है कि हम में से किसी को भी इस फोटो के बारे में कुछ भी नहीं पता है क्योंकि यह फोटो एक अलग नंबर से आया था जो नंबर हम में से कोई भी नहीं जानता। एंड यहां पर ये हमारे इंटरनल ग्रुप में आया था तो फिर सबके पास ये फोटो अपने आप ही पहुंच गई थी। लीजा को यहां पर गुस्सा आता है तो वह वहां से ऑफिस में से चली जाती है। एंड यहां पर वह सीधा सहो की कैबिज में चली जाती है गुस्से में जाकर उससे बात करने के लिए। एंड यहां पर हम देखते हैं कि सहो तो अपने आंखों से आंसू निकाल रहा होता है। जैसे ही वो लीजा को देखता वह अपने आंसू पोंछ लेता है। एंड लीज यहां पर चिल्ला चिल्ला कर उसे कहने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई एक बार भी ये सब चीजें करते हुए। सह को यहां पर कुछ समझ नहीं आता। फ यहां पर उस फोन में उस फोटो को देख लेता है जहां पर वो कुछ कहने ही जाए। इसके पहले लीजा उसे कह देती है कि मुझे नहीं पता था तुम मुझसे बदला निकालने के लिए ये सब भी कर सकते हो। एंड यहां से बाद में वो गुस्से में चली जाती है। इसके बाद में यहां पर उस फोटो को देखकर सोचने लगता है कि आखिर कौन है वह जो इस फोटो को लीक कर सकता है। दोस्तों यहां पर वो क्लब में होता है जहां पर उसने बहुत ड्रिंक कर लिया था। फिर यहां पर मिनी और लीज आ जाते हैं जहां पर उसका फ्रेंड जैसे कह रहा होता है कि अब तो तुम्हें पता चल गया कि तुम दोनों भाई बहन भी अपनी फीलिंग लिस्ट से एंड यहां पर जाओ। बाद में लीजा से कहता है कि आज फिर से इसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया है और अब तुम्हें इसे वापस घर लेकर जाना होगा। तो फिर लीजा यहां पर उसे घर लेकर आ जाती है और सीधा सोफा पर बैठा देती है। इसके बाद में वो वहां से जाने लगती है तो फिर सहो यहां पर उसे हक करने लगता है और कहता है कि बड़ी बहन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। लीजा यहां पर बोलती है मैं बड़ी बहन नहीं लीजा हूं। तो फिर एस बोलता है कि हम मुझे तो लीज बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो फिर यहां पर वो हंसती उससे पूछती है कि क्यों तुम्हें लीजा क्यों नहीं पसंद। तो फिर वो कहने लगता है क्योंकि उसने मुझसे झूठ बोला और सब का सब सच छुपाया। लीजा बोलते कि ठीक है मुझे भी लीजा नहीं पसंद। तो सुओ कहने लगता है कि नहीं लीजा को हेट करने का हक सिर्फ मेरा है। तुम मेरी बड़ी बहन हो तुम लीज के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकती। फिर यहां पर वह जाने लगती है तो फिर वह पीछे से उसे हक कर देता है और कहता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। एंड बार बार वो छोड़ने वाली बातें ही किया जा रहा था। लीजा उससे पूछती कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। फिर यहां पर वो धीरे धीरे उसके नेक पे किस करना शुरू कर देता है जहां पर लीजा को भी धीरे धीरे फीलिंगलेस उसे कहती है कि ठीक है तुम कपड़ बदल कर आ सकते हो। लेकिन यहां पर वो लोग उस क्वेश्चन पर ही मेकआउट करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद में यहां पर वो उसे ये भी कहता है कि अगर मैं सुबह उठूंगा और तुम्हें देखूंगा तो मैं इस रात को कभी भी रिग्रेट नहीं करूंगा। फिर इसके बाद में सुबह हो जाती है। एंड यहां पर वापस से सूह अकेले उठता है जहां पर वो कॉल लगा के कंफर्म करता है जाओ से कि पक्का कल रात को तुम ही मुझे घर छोड़कर गए थे। जाओ कहता है कि नहीं कल रात को तो एक प्रिटी वुमेन थी जो तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़कर आई है। सहो को कुछ समझ नहीं आता तो फिर यहां पर वो पिटी वुमेन का नाम पूछता है। लेकिन जाओ को उसके डैड का कॉल आता है तो फिर वह सहो का कॉल कट कर देता है।
साहो जैसे ही नीचे जाता है वो यहाँ पर शीन को देख लेता है। एंड यहाँ पर शीन से वो पूछता है कि क्या कल रात को तुम मुझे घर लेकर आई थी। एंड शन यहाँ पर झूठ बोल देती कि हाँ मैं ही कल तुम्हें घर लेकर आई थी। यहाँ पर साहो को लगने लगता है कि शायद से उसने शीन के साथ में नाइट स्पेंड की होगी। एफ यहाँ पर शीन उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाती है, जहां पर अफसुवा उसे कहने लगती है कि लीज की उस लड़के के साथ में फोटो जो है वो कुछ ज्यादा ही वायरल हो चुकी है और कंपनी में चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं और उसका रेपुटेशन भी खराब हो रहा है। तो फिर सच से कह देता है कि अगर तुम्हें उस लड़की की इतनी फिक्र है तो फिर जाओ, जाकर खुद ही उसकी हेल्प कर लो। एंड यहां से बाद में वह गुस्से में उठकर चला जाता है। फिर बाद में यहां पर शीन को भी गुस्सा आने लगता है। दूस हम यहां पर देखते हैं लीजा को, जो कि अपने कंपनी में होती है। एंड यहां पर उसे कॉल आ जाता है मिनी का, जो उसे कहने लगती कि तुमने न्यूज देखा क्या। लीजा बोलती कि कौन सा बाहर पार्ट टूट चुका है न्यूज में, मैं तो न्यूज नहीं देखती। मिनी यहां पर उसे कहने लगती है कि तुम्हारे भाई की, मेरा मतलब है कि तुम्हारे फेक ब्रदर्स हो, कि एक गर्लफ्रेंड आ चुकी है। एंड यहां पर वो सभी के सभी न्यूज लाइन के हेडिंग में पहुंच चुकी है कि इस कंपनी का मालिक जिसका नाम सू है वह यहां पर शीन नाम की लड़की को डेट कर रहा है। लीजा यहां पर कहने लगती है कि तो उससे मैं क्या करूं, एक ना दिन उससे गर्लफ्रेंड तो बननी ही थी। मिनी यहां पर उसे कहने लगती है कि लेकिन इतना जल्दी वो उसी गर्लफ्रेंड कैसे बन गई, क्योंकि कल रात को तो तुम उसे घर पर लेकर आई थी और कल तो शीन घर पर नहीं थी, फिर आज के आज ये सारी चीजें कैसे हो गई। तो फिर लीजा बोलती है छोड़ो मुझे इन सब बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मिनी कहने लगता है कि यह सब तो ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूं कि वह समझ पाए कि तुमने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया है। फिर यहां पर लीज बोलती है कि जाने दो, मुझे उसकी फैमिली में या फिर मुझे उसकी लाइफ में वापस आकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है। इसके बाद में यहां पर वो काम करने लगती है, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस न्यूज की ओर होता है। तो फिर वो न्यूज लगाकर देखने लगती है, जहां पर वो सोचने लगती है कि मुझे तो नहीं लगा था कि ये कभी मुझसे प्यार करेगा, लेकिन यहां पर तो इसकी गर्लफ्रेंड कोई और ही है। इतने में यहां पर सोहो आ जाता है, तो फिर फटाक से वो उस न्यूज चैनल को बंद कर देती है। एस उसे कहता है कि तुम अभी तक नहीं गई। प्लीज यहां पर उसे कहने लगती कि लगता है तुम्हें मुझे इस कंपनी से भगाने की बहुत ई है, टेंशन मत लो, बस कुछ दिन और रुक जाओ, उसके बाद मैं खुद बखुदा का नेक नोटिस करता है। एंड यहां पर हिक के मार्क्स होते हैं, तो फिर उसे गुस्सा आने लगता है, लेकिन गुस्सा वो इनडायरेक्टली निकालता है और कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना तुम्हारी एक मीटिंग है, तो फिर तुम्हें ये सारी चीजों को कवर करना चाहिए, ऐसे रिवील इन सब चीजों की वजह से मीटिंग पर अफेक्ट हो सकता है। लीजा यहां पर समझ जाती है कि उसे याद नहीं है कि कल रात को वे किसके साथ था। तो फिर यहां पर वो उसे कहने लगती कि देखो मेरी मर्जी है, मैं जैसे कपड़े पहनूं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम जलस फील कर रहे हो, तो मैं तुम्हें नहीं बताने वाली कि कल मैं किसके साथ नाइट स्पेंड की थी। तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकते हो, और ऐसे ही इनडायरेक्टली मुझे ताने मारना बंद कर दो। यहां पर उसे गुस्सा आ जाता है, तो फिर सू वहां से चला जाता है। इसके बाद में यहां पर वो बैठी होती है, तो ना वहां पर आ जाता है जो इसके लिए बियर की कैंस लेकर आता है। लीजा कहने लगती है कि मैं काम के टाइम पर ड्रिंक नहीं करती, तो वो फिर हान से कहने लगता है कि मैं तो बस तुम्हारा मूड लिफ्ट अप करना चाहता था, क्योंकि मैं देख सकता हूं कि तुम कितनी ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो। पीछे से हम यहां पर देखते हैं सहो को, जो उन दोनों को छुपके छुपके से देख रहा होता है। फिर यहां पर लीजा उस बियर के गन लेती है और उसे थैंक यू बोलने लगती है। यहां पर बाम ने वो उससे पूछती है कि आखिर तुम मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों बिहेव करते हो। ना कहने लगता है कि एक्चुअली जो मेरी फीलिंगलेस, यहां पर लीजा उसे बस वहां तक ही कहने के लिए बोलती है जहां पर वह एक्सप्लेन करना चाहता है, लेकिन लीजा उसे आगे बोलने ही नहीं देती और कहती कि देखो तुम्हारे और मेरे बीच में ये सारी चीजें इम्पॉसिबल है। तो फिर यहां पर हान कहते हैं कि तुम मुझे एक मौका तो दे ही सकती हो। लीज कहते कि नहीं, तुम्हारा और मेरा खाली एक सुपीरियर और एक बॉस का रिलेशन है, जहां पे हम दोनों एक एम्प्लॉय और स्टाफ के रिलेशन में जुड़ चुके हैं, तो हमारा एक दूसरे के साथ में इस चीज में आना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एंड ऐसे भी मैं बहुत जल्द इस कंपनी को छोड़कर जाने वाली हूं, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। यहां पर हान बोलता है कि तुम चली जाओगी तो फिर जहो का क्या होगा, वो इस कंपनी को कैसे संभालेगा और इस कंपनी का भी क्या होगा। तो फिर लीजा यहां पर कहने लगती कि जहो इस कंपनी के लिए एकदम कंप्लीट इंसान है, यहां पर वो सारी जिम्मेदारी ले सकता है, और रही बात तुम्हारी तो मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूं, तो फिर मैं नहीं चाहती कि तुम मुझ पर बार बार ट्राई करो, मैं अभी तुम्हें साफ मना कर दे रही हूं। एंड यहां पर जान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि देखना मैं तुम्हें तुम्हारा प्राइस बताकर ही रहूंगा कि आखिर मुझे रिजेक्ट करने का अंजाम क्या होता है। इसके बाद में यहां पर वो उसकी कबिट में आती है, तो फिर सहो तभी भी ड्रिंक कर रहा होता है, लेकिन वो सहो को ड्रिंक करने से रोकती है। सहो यहां पर कहने लगता है कि तुम तो बड़ी कमाल की हो, एक घर छोड़ा नहीं कि दूसरा घर मिल गया। तो फिर यहां पर वो बोलने लगती है कि देखा तुम्हें, मुझे मेरी टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। सह यहां पर उसे कहने लगता है कि मैं तो बस रीजन जानना चाहता था कि आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, क्या मैं ये रीजन जानने के लिए भी गलत हूं। लीजा यहां पर कहती थी कि कोई बात नहीं, आपसे तुम हमेशा सही रहोगे, ऐसी में मैं कंपनी को बहुत जल्दी छोड़कर जाने वाली हूं। इतने में एक स्टाफ यहां पर भागते हुए आती है और कहने लगती है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, हमारे स्टॉक का प्राइस है वो बहुत जल्दी डाउन होता जा रहा है। यहां पर लीज और सहो दोनों के दोनों कंफ्यूजन में आ जाते हैं और डरने लगते हैं। तो फिर वो स्टाफ उसे बताने लगती है कि ना जाने उन्होंने रिपोर्टर्स को क्या बता दिया है कि यहां पर इस कंपनी के भाई बहन के बीच में ही खुद झगड़े होते रहते हैं, तो फिर कंपनी बहुत जल्दी ही डूबने वाली है।
एंड यहाँ पर सहो न्यूज भी देखना शुरू कर देता है। इसके बाद में यहाँ पर वह अपने स्टाफ को कह देती है कि ठीक है, एक काम करो मेरे लिए और यहाँ पर मेरे भाई के लिए अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर ऑर्गेनाइज करो। जरा मैं भी तो देखना चाहती हूँ कि कौन है वो जो हमारे खिलाफ ही रूमर्स फैला रहा है। एंड यहाँ पर वो दोनों रात को डिनर करने के लिए आ जाते हैं, जहां पर सू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और लीज बड़े मत से डिनर कर रही होती है। इसके बाद में यहाँ पर वह मीट का पीस कट कर उसे खिलाने वाली थी, लेकिन सहो मना कर देता है। तो लीजा इशारे करती है, तुम देख रहे हो यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो छुपके से हमारी फोटो वीडियो निकालना चाहते हैं, तो तुम चाहते हो ना कि रूमर्स खत्म हो जाए कि एक भाई बहन झगड़ रहे हैं, तो चुपचाप इसे खा लो। फिर यहाँ पर वो उए खाने लगता है। एंड यहाँ पर हमें लीज का प्लान समझ में आ जाता है, जहां पर लीज कहने लगती है कि अब से हम पब्लिक में और बाहर जाया करेंगे, जाकि सबको लगे कि हम दोनों के बीच में कितना ज्यादा प्यार है, एक भाई बहन के जैसा। इसके बाद में यहाँ पर शीन आ जाती है, जो कि लीज से कहने लगे कि हमारे न्यू प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, तो फिर आप जाकर उन सैंपल्स को प्रोडक्ट रूम में देख सकते हो। एंड यहाँ पर हान होता है, ना जाने वो शीन की रह किसी तरीके का तो इशारा करता है। दूसरा यहाँ पर एस भी आ जाता है, तो फिर यहाँ पर शीन से बताने लगती है कि आज रात को हमारे स्कूल का रियूनियन है, तो फिर आपको जरूर आना पड़ेगा। फिर यहाँ पर वो शीन उसके सामने एकदम बटू जैसा बात करने लगती है। एस वो कहते हैं कि लेकिन मुझे तो कोई इन्विटेशन नहीं आया। शीन कहने लगी हाँ, क्योंकि सबको पता है हम एक साथ एक ही कंपनी में है, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि तुम तो सहो से क्लोज हो, तुम ही उसे लेकर आ जाओ। फिर यहाँ पर सहो देखने लगता है लीज की ओर, जहां पर लीज सब कुछ समझ रही होती है। फिर बाद में यहाँ पर शीन लीजा से कहती है, फिर यहाँ पर लीज हान का हाथ पकड़ते हुए वे हाँ कह देती है। सहो को भी यहाँ पर जलस फील होने लगता है, तो फिर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। इसके बाद में लीज चली जाती है उस सैंपल रूम के अंदर, जहां पर जैसे ही उसके अंदर चली जाती है, हन बड़ी चालाकी से सैंपल रूम का दरवाजा जो है वो बंद कर देता है। अनलॉक भी लीजा यहाँ पर जोर जोर से चिल्ला आती है, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक जाती भी नहीं है। एंड न यहाँ पर बहुत स्वाट होता है, क्योंकि वो डेंजर का साइन निकालकर सीधा उस रूम के बाहर लगा देता है, ताकि किसी को कोई शक ना जाए और कोई भी उस रूम के अंदर ना आ पाए और लीज को बचा ले। फिर यहाँ पर लीज बैठ जाती है और घबराने लगती है, क्योंकि ये जो रूम होता है उसमें कई सारी ऐसी होती है। एंड ये रूम बहुत ठंडा होता है यहाँ की, तो लाइट भी बंद हो जाती है। फिर अचानक से यहाँ पर एक अलग सी गैस निकल आती है। फिर यहाँ पर स्टाफ उसे कहने लगती है कि मुझे लगता है कि मैडम प्रोडक्ट रूम से बाहर आए भी नहीं है, क्योंकि उनका लास्ट चिकन वहीं पर बता रहा है, उन्होंने वहां से तो चेकआउट किया ही नहीं है। तो यहाँ पर सहो फटाक से ऊपर चला जाता है, जहां पर शीन भी उसके साथ जाती है और बहुत डरी हुई थी। से यहाँ पर फायर एक्सटेंशन निकाल लेता है और उसे जोर जोर से उस लॉक को तोड़ने लगता है, जहां पर उसे अंदर लीजा मिल जाती है जो कि बेहोश थी। फिर वो उसे उठाकर वहां से ले लेकर चला जाता है। दूसरा यहाँ पर ना आ जाता है सहो के कभी में, जहां पर सहो को समझ आ रहा होता है कि इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि हान नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां पर सीसीटीवी फुटेज में भी सिर्फ और सिर्फ उस एरिया में हान के अलावा कोई भी नहीं दिख रहा था, जो कि नाइट्रोजन की थी, जिस वजह से लीजा को बहुत खांसी आने लगती है। दूसरा यहां पर हान चला जाता है। शीन के पास सब कुछ बताने के लिए शीनू से पूछती है कि मैंने जैसा कहा था तुमने वैसा ही तो किया है ना। हान कहता है कि हाँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम आराम से अपने सहो के साथ में जहां चाहे वहां जा सकती हो। शीन उसे कहने लगती कि हाँ तुम जाना और एकदम सुपर हीरो जैसे लीज की जान में चले ना, जहां पर लीज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी होकर रहेगी। इसके बाद में यहां से सह जाने लगता है, तो ताफ से पूछता है कि आखिर लीजा कहां पर है, वो मुझे कहीं पर भी नहीं दिख रही। स्टाफ कहने लगती कि वो तो प्रोडक्ट रूम में गई थी। उसके बाद पता नहीं इतने में यहां पर शीन आ जाती है, जो उसे चलने के लिए कहती है। तो फिर यहां पर वो उसे पूछने लगता है कि आखिर तुमने लीज को क्यों वहां पर बंद किया। हान कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। तो फिर वो कहते हैं कि क्यों तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने एविडेंस खू यहां पे बांधे। हान घबराने लगता है, जहां पे सुआ चिल्ला के कहता है कि मेरे होते हुए वो भी लीज को बुलेट नहीं कर सकता। एंड यहां पर लीजा बाहर खड़ी होती है, जहां पर उसे सब कुछ सुनाई दे देता है। तो फिर वह मन ही मन मुस्कुराने लगती है। यहां पर लिहान को वो वार्निंग दे देता है कि मैं तुम्हें अभी कह रहा हूं कि मेरी कंपनी से तुरंत निकल जाओ, वरना मैं यहां पर सभी के सामने उस सीसीटीवी फुटेज को लीक कर दूंगा और पुलिस को भी दे दूंगा। उसके बाद में तुम्हारा क्या हाल होगा, तुम्हें तो वो बड़े अच्छे से पता चल जाएगा। हान बाहर निकलता है, तो वो लीज को सुनाकर वहां से चला जाता है। इसके बाद में यहां पर शीन जो है वो आ जाती है कि कभी में, और उसे आकर कॉफी देने लगती है, और हमें यहां पर समझ में आ जाता है कि इस कॉफी में कुछ तो मिला होगा। जो शीन इतना खुशी खुशी वहां से जा रही थी, जैसे ही यहां पर लीज कॉफी पीती है उसे चक्कर आने लगता है। एंड यहां पर लीज बेहोश हो जाती है। फिर बाद में यहां पर उसे कभी में आना जाता है, जहां पर वो कहने लगता है कि एक बार बस मैं तुम्हारे साथ यहीं पर नाइट स्पेंड कर लूं, तुम्हारी वीडियो बना लूं, फिर मैं देखता हूं कि तुम यहां से कहां भागना चाहोगी। एंड यहां पर वो उसे टच कर नहीं जाता है कि इतने में वहां पर सूह गुस्से में आ जाता है। नाते ही वो यहां पर हान को पंच मार देता है, हो लीजा के ऊपर अपना जैकेट डाल देता है। जहां पर सहो औरतों और हान के बीच में झगड़ा होने लगता है। एंड हान यहां पर उसके हाथों पर चाकू मारकर फटाक से वहां से भाग जाता है। इसके बाद मैं सूह कार में अपनी लीजा को लेकर जा रहा था,
जहां पर लीजा की नींद खुलती है, तो फिर हाथ पर वो सहो को नाइफ का मार्ग देखती है और डर जाती है। तो सहो कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, ये मैंने खुद ब खुद ड्रॉ किया है। लीजा समझ रही होती है कि वो उसे कुछ तो छुपा रहा है। हनी यहां पर उससे पूछता है कि क्या अभी भी तुम मेरी बहन बनकर ही रहना चाहती हो? तो फिर लीजा बोलती है कि नहीं, तुम ही तो चाहते हो कि मैं तुम्हारी लाइफ से चली जाऊं। यहां पर उसे गुस्सा आता है, तो फिर वो वहां से बाहर जाने लगता है, जहां पर लीज उसे पकड़कर किस करने लगती है। एंड फाइनली लीज ही यहां पर अपनी फीलिंग को कन्फेस करते हुए उसे आई लव यू बोल देती है, जहां पर सहो को बिलीव नहीं होता। एंड सहो भी यहां पर उसे कन्फेस करता है, फिर वो उसे किस करने लगता है, जहां पर किस करने के बाद वो लोग अपने घर पर आ जाते हैं। एंड एक बार फिर से यहां पर उनके बीच में मेकआउट हो जाता है। इसके बाद में यहां पर सुबह हो जाती है, जहां पर वह उसे कहने लगता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी मुझे छोड़कर जाओ। तो लीज बोलती है कि ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, हम बाहर वालों के लिए अभी भी सिब्लिंग्स ही हैं। यहां पर सहो कहता है कि ऐसा क्यों? तो फिर लीजा उसे बोलने लगती कि ठीक है, जाकर सबको बता दो, लेकिन फिर बाद में सभी लोग हमारे रिलेशन को क्वेश्चन करने लगेंगे और तुम्हारी कंपनी को ही नुकसान होगा, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि मैं यहां पर तुम्हें और तुम्हारी कंपनी को प्रॉफिट करवाने के मिशन से आई थी, लेकिन हालांकि मैं तुमसे प्यार में पड़ गई। फिर यहां पर वो उसे कहने लगता है, इसका मतलब ये है कि तुम कंपनी में मुझे प्रेसिडेंट बुलाओगी तो घर पर मुझे क्या बुलाओगी लीजा? यहां पर उसे हस्बैंड बोलती है, जहां पर वह शाय फील करने लगता है। इसके बाद में वो उसे रेडी होने के लिए कहती है। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं शीन को और रहान को। यहां पर हान शन से कहने लगता है कि मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कि ये दोनों तो भाई बहन ही नहीं है। शीन कहती कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो हान? यहां पर उसे पंजाब निकाल कर देने लगता है। इसके बाद ना यहां पर हम कंपनी की मीटिंग को देखते हैं, जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे होते हैं कि अब तो पब्लिक में भी ये फैल चुका है कि तुम दोनों रियल भाई बहन नहीं हो। अरे, हमारे स्टॉक के प्राइस वापस ही जो उतरने लगे हैं, तो फिर आपको इस कंपनी को छोड़कर जाना होगा। लेकिन यहां पर लीजा सबको सच्चाई बताने लगती है और कहती है कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मेरी जानिब से कंपनी के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो मैं चली जाती हूं। फिर यहां पर सहो और लीज एक एक करके लीज के बारे में बताने लगते। तो फिर यहां पर सुओ कहता है कि अगर इस तरीके से देखा जाए तो यहां पर कई सारे लोग ऑन फरज में होते हैं, पर मेरे मॉम डैड उन्हें सपोर्ट करते हैं, तो ये कई सारे लोग तो मेरे भाई बहन ही हुए। डायरेक्टर्स कहने लगते कि हम आपके रिलेशन को डाउट नहीं कर रहे, लेकिन उस फोटो को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? लीसा कह देती है कि हम बता देंगे कि वो फोटो फोटोशॉप्ड है। इसके बाद में पुलिस जाने और वो लोग जिन्होंने ये चीज को पब्लिश किया है, एंड हम धीरे धीरे उनका तो पता लगा कर ही रहेंगे। सो यहां पर कह देता है कि अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया तो मैं अपनी जबान नहीं देता हूं कि मैं इस कंपनी को छोड़कर चला जाऊंगा और मैं मेरे डैड को मायामीन से वापस बुला लूंगा, एंड वही इस कंपनी के सीईओ रह जाएंगे। तो फिर यहां पर सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सभी लोग एग्री कर लेते हैं इस बात को। इसके बाद में यहां पर लीजा घर पर भी काम कर रही होती है, तो सह उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम दोनों मिलकर इस क्राइसिस को टैकल कर लेंगे और इसके बाद में हम यहां पर अपनी लाइफ आराम से जिएंगे। दूसरे दिन हम यहां पर ऑफिस में आ जाते हैं, जहां पर सभी को पता चल जाता है कि वह जो फोटो है उन्हें ग्रुप पर भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि शीन होती है। एंड यहां पर शीन सभी के सामने कहने लग कि मुझे उस फॉल्स रूमर्स के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम सब पर भरोसा करना चाहिए था। सहो को कहते कि प्लीज मुझ पर एक बार भरोसा करके देखो, लेकिन सहो यहां पर उसे अपने आप से दूर करता है और कहता है कि तुम ना बोलो तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि हान ने भी अपनी गलती को कन्फेस कर लिया है और आंखी झूठ बोल बोलकर तुम कितना ही झूठ बोलगी। इसके बाद में यहां पर शीन रोने लगती है कि मैंने इतना सब कुछ किया है इस कंपनी से निकलने के लिए, नहीं इस कंपनी में रहने के लिए। तो एफ यहां पर वो उसे कहने लगता है कि टेंशन मत लो, इस कंपनी में क्या तुम्हें तो मेरा घर पर भी रहने नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत जल्दी पुलिस आती होगी तो फिर तुम्हें जेल जैसा न्यू घर जो मिल जाएगा, फिर बाद में यहां पर जाओ। और तो और सहो मिलते हैं, जहां पर सहो उसे कहता है कि देखा मैंने कितना जल्दी मैटर को सॉल्व कर दिया। इसके बाद में जब सहो घर पर जाता है तो फिर वो लीजा को किस करना शुरू कर देता है और वो लीज से कहता है कि मेरे और तुम्हारे रिलेशन के अकॉर्डिंग तुम बहुत डोमिनेटिंग हो, असल में तो एक लड़की को डोमिनेटिंग रहना चाहिए। तो लीज बोलती है कि ठीक है, मैं आज तुम्हें डोमिनेट होने का मौका देती हूं। जहां पर सुह और वो दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन यहां पर सहो को किसी का कॉल आ रहा था तो फिर उनकी किस भी इंटरप्ट हो जाती है। सहो जैसे उस कॉल को देखता है, वो उसके डैड का होता है जो कि उसे वीडियो कॉल कर रहे थे, तो फिर लीज बाजू में हट जाती है। इसके बाद उसके डैड कॉल देने के लिए कहते हैं, लीजा को लीजा यहां पर आ जाती है, तो डैड बोलने लगते हैं कि आखिर तुम दोनों की शक्ल इतनी लाल क्यों है, तुम्हें क्या बुखार हुआ है? तो फिर वो कहने लगती है कि डैड ऐसा तो कुछ नहीं है, सहो का पता नहीं, लेकिन मैं तो भागते हुए दूसरे रूम से यहां पर आई हूं, बस इसलिए मैं थोड़ी सी थक गई हूं। इसके बाद में यहां पर उसका कॉल कट हो जाता है। दूसरा, यहां पर वो लोग बैठकर ग्रेप्स खा रहे होते हैं, जहां पर सुओ लीजा से कह देता है कि मॉम और डैन एक मंथ में आ जाएंगे। लीजा बोलती है कि ठीक है, तो फिर सहो बोलता है कि हमें क्या होना, सब कुछ बताना है। लीजा कहती है कि देखते हैं, सिचुएशन जैसा होगा वैसा हम करेंगे। इसके बाद में यहां पर एक वीक बीत जाते हैं, जहां पर वो लोग ऑफिस की ओर जा रहे थे और अचानक से उनके सामने उसके मॉम डैड आ जाते हैं। सुओ उन्हें देखकर बोलने लगता है, लेकिन आपने तो कहा था कि आप लोग वन मंथ के बाद आओगे। तो उसके डैड बोलते हैं, वन मंथ नहीं, मैंने वन वीक कहा था,
यहाँ पर उस अपने मॉम डैड को देखकर ज्यादा खुश नहीं होता, तो लीजा समझाने लगती है कि बहुत सालों के बाद ही आप दोनों को एक साथ देख रहा है, बस इसीलिए खुश होने के बदले कुछ ज्यादा ही शौक हो चुका है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। दूसरा, यहाँ पर लीजा चली जाती है अपनी फ्रेंड मिनी से मिलने के लिए। मिनी यहाँ पर उसे कहने लगती है कि अब तो टाइम आ गया है जहाँ पर तुम अपनी रिलेशनशिप को पब्लिक बना लो, लेकिन यहाँ पर लीजा उसे मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं उसी कंपनी के रेपुटेशन को खराब खराब होने नहीं दे सकती, और मुझे नहीं पता है मेरी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से उसके मॉम डैड कभी हमारे रिलेशन को हाँ भी बोलेंगे या फिर नहीं। दोस्तों, यहाँ पर सू होता है जिसका अपनी मम्मा के साथ में झगड़ा हो रहा था। उसका डैड पूछता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें ब्लाइंड डेट पर ही तो भेज रहे हैं। तो फिर सू हो कह देता है कि नहीं, मुझे कोई और लड़की पसंद है। एंड यहाँ पर वो अपने मॉम डैड को सब कुछ बता देता है। उसकी मम्मा कहती हैं, लेकिन वो तो तुम्हारी बहन है। सो वो कहता है कि मॉम मुझे ऑलरेडी सब कुछ पता है। लेकिन उसके डैड यहाँ पर उसे कहने लगती कि देखो तुम्हें सब कुछ पता होगा लेकिन उसके फैमिली के बारे में नहीं। उसके जो मॉम है और डैड थे, उसके डैड ने उसकी मॉम का मर्डर कर दिया था, जिसके बाद में उसके डैड को जेल में रखा गया था। फिर उसके डैड ने जेल में ही सुसाइड कर लिया था। उसके बाद से बेचारी लीज और फीम में रहती हुई आई है, तो तुम्हें लगता है तुम उसके साथ रह पाओगे। यहाँ पर साहू कहता था कि इसमें उससे कोई गलती नहीं है, अगर उसने ऐसी लाइफ जी है तो मैं चाहूंगा कि मैं उसे आगे और अच्छी लाइफ दे पाऊं। यहाँ पर उसके मम और डैड बहुत खुश होते हैं और कहते कि अगर तुम्हारी थिंकिंग इतनी अच्छी और इतनी ब्रॉड है तो फिर तुम अपने डिसीजन पर रहो और उनसे ही साथ में शादी करना। इसके बाद में सहो यहाँ पर लीज का एक बुक देख रहा होता है जिसमें से लीज की बचपन की तस्वीर निकल जाती है। एंड उसे बाम में वो बचपन का सीन याद आने लगता है और वह समझ जाता है कि अब बच्चा कोई और नहीं बल्कि लीज आई होती है, जिसने उसे यूनिकॉर्न वाला वो आई मास दिया होता है। फिबम ने फटाक से वो भाग कर लीजा के पास चला जाता है। एंड जाती यहाँ पर वो रिंग के साब में उसे प्रपोज करने लगता है, फिर उसे बचपन की बातें और अभी की बातें सारी बात एक साथ में कन्फेस कर देता है, जहां पर लीजा भी उसे हाँ बोल देती है। एफ यहाँ पर वह उसे रिंग पहना आता है और उन दोनों के बीच में किस हो जाता है। फिर इसी किसिंग सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।